गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक न्यू डे है इन इस्तानबुल तुर्की है, और आज ये मेरा दूसरा दिन है इन इस्तानबुल। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले जाएंगे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए ग्रैंड बाजार, जो मेरे रूम से अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है, मैक्सिमम इतना ही है। और अभी यहाँ पे बज रहे ऑलमोस्ट 10:45, हम लोगों का 9:45 निकलने का प्लान था कल, बट एज़ आपने मेरे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा कि मैं लेट सोया था कल, इसीलिए मैं लेट भी उठा। और फिर ये सब करते करते रेडी वेडी होते होते, मतलब जो भी प्लानिंग किया था, प्लानिंग से 1 घंटा डिले चल रहा हूँ। तो अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कहाँ से आप लोग कम पैसे में, जितना मुझे पता है, सबसे अच्छा रेट जो ग्रैंड बाजार के अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं, जो भी शॉप्स अंदर में है वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है एक्सचेंज रेट। अभी वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कौन सा शॉप सही होता है। तो बस बढ़िया है, बने रहिए वीडियो मेरे साथ, अभी यहाँ से निकलते हैं। ये है, ये रोड के लिए निकल रहे जी, वो मेन गेट है, अभी आ गई, आप लोगों को दिखाएंगे आएगा। हम लोगों का रूम यहाँ से पीछे है, 5 मिनट्स वॉक ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग के वहाँ पे और यहाँ पे जो रोड में डिफरेंस है, एक चीज़ जो मैंने सुना था वो सच बात है, यहाँ पे गाड़ी बहुत फास्ट चलता है और लेन काफ़ी चौड़ा चौड़ा है, मतलब बहुत ब्रॉड है लेन, और वॉक करने के लिए यहाँ पे तो वैसे बहुत चौड़ा दिया हुआ ब्रॉड है, बट ऐसे नैरो लेन है सारा, ऊपर फुटपाथ जो वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे और उसके पीछे भी सारा वैसे ही है। और ये मेन गेट है, मतलब एक मेन गेट के जैसा कासल जैसा दिख रहा है, तो यहीं से हम लोगों को बाहर जाना है। अभी हम लोग पहुंच जाएंगे मेन रोड पे, तो वहीं से भी टैक्सी या कुछ भी देखते हैं, बुक करते हैं। और एक चीज़, वॉक कर रहे हो तो मेन रोड में बिल्कुल भी वॉक मत करना, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे गाड़ी बहुत ही फास्ट चलता है, तो ध्यान से। और जैसे ही ये कासल जैसा गेट से हम लोग बाहर आए, ये सामने ही बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मॉस्क है। यहाँ पे वैसे मॉस्क काफ़ी सारा है, ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है, बट बहुत खूबसूरत है। और अभी हम लोग मेन रोड आ गए, अभी बुक कर देंगे कुछ भी, देखते हैं। और अभी हम लोग बैठे हैं फिएट लीनिया में, और यहाँ पे ह्यूंडई वर्ना भी होता है कैब। आई लव द रोड्स यार, बहुत सही रोड है, सुल्तान अहमद, से बहुत सारे फ्लाईओवर्स है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दो, अगर विद इन 4 किलोमीटर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो कैब का जो रेट होता है वो 40 to 50 लीरा होता है, मतलब इक्वल्स टू अराउंड 250 रुपीज INR, और उससे ज्यादा अगर होता है किलोमीटर तो वो डबल हो जाता ऑलमोस्ट। रोड्स आर जस्ट अमेजिंग। टॉलेस्ट टावर ऑफ तुर्की है, और थोड़ा बहुत ग्रैंड मॉस्क। 2000 years later. मैंने यहाँ पे $100 दिया था, और जो मैंने गूगल पे रेट देखा था 18.19 था ना, 18.17 था, और यहाँ पे मुझे 18.19 मिला। मैंने गूगल पे रेट देखा था 1816 मुझे दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ से एक्सचेंज कर लिया, यहाँ पे मुझे 1819 मिल गया। तो आप लोग भी इस शॉप से आके एक्सचेंज कर सकते हैं डॉलर या फिर जो भी आपका करेंसी, आपको एक्सचेंज करना है, यहाँ पे रेट्स अच्छा है। और ये ठीक स्पाइस बाजार से आप इस रोड से स्ट्रेट आएंगे, स्पाइस बाजार से आते आते बस 2 मिनट्स आप वॉक करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में ये वाला शॉप आता है। चलो अब यहाँ से हम लोग कर लिया एक्सचेंज, यहाँ से लिया, यहाँ से स्ट्रेट ग्रैंड बाजार का रास्ता जा रहा है, या बैंक देख सकते हो, बैंक से सीधा स्ट्रेट जाना है हम लोगों को, तो अभी वहाँ पर चलते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे, बस यही एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। आप लोगों को आके यहाँ पे चलना बहुत होगा, यही है। अभी हम लोग ग्रैंड बाज़ार से सिर्फ 4 मिनट्स की दूरी पे, ये गूगल में देख सकते हैं, गूगल मैप का हेल्प ले लिया मैंने, तो आप लोग भी गूगल मैप को हेल्प लेते लेते और पूछते पूछते यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत सारा गली वगैरह है। और मेरे ख्याल से
ये सीधा ही जाना है अभी, ये भी सीधा ही दिखा रहा है। सॉरी, गूगल कभी कभी गलत भी बताता है। तो यहाँ पे ग्रैंड बाज़ार का एंट्रेंस यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में था, मैं स्ट्रेट जा रहा था इसी जगह से आके। अभी और आगे चलना है यहाँ पे, मतलब आपको चलते रहने होगा, पैर मजबूत करके आना होगा। और अगर पैर मजबूत नहीं है तो यहाँ आके 100% हो जाएगा मजबूत। सीधा यहाँ वैसे क्या मिल रहा है? यहाँ पे राइस है, चिकन का नट्स है, और ये मिर्ची है, सॉस है। तो एक पोर्शन लेना है, ये एक पोर्शन खा रहा है। एक पोर्शन का 25 लीरा, 1.5 पोर्शन, 30 लीरा। ठीक है, इसमें पेट भर जाएगा आपका खा के। ट्राई करेंगे बस, पहले अभी जाते हैं वहाँ। यार फिर से लोकेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे मैं पूछने वाला। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट, यस, टर्न राइट। थैंक यू ब्रदर। पूछ पूछ के जाना चाहिए, कभी कभी गूगल भी आपको पागल कर देगा, बिकॉज बहुत सारा यहाँ पे गली है। तो हम लोग लेफ्ट चले गए थे, अब स्ट्रेट ही जाना था, तो स्ट्रेट चलते हैं। ये एक्चुअल लेन में आ गए, ऐसा ही था। वो तो सीधा गेट है। यहाँ भी है, यहाँ का क्या रेट है? यूरो है 18,200। यहाँ पे कम है, 19 मिला था ना, मिला है 18,19। हाय, हेलो, विल सी लेटर ऑन। फाइनली ग्रैंड बाजार आ गए, यहाँ से एंट्रेंस है। वो मुझे स्ट्रेट जाने बोल रहा था और मैं उसको बोल रहा था कि फ्रिस्किंग कर लो। फाइनली मैं आ तो गया हूँ ग्रैंड बाजार के अंदर, बट ये रास्ते में अभी खड़े होके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा है। मैं यहाँ से स्ट्रेट आया था, इतने सारे चॉकलेट से वो सब मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर को जाना है, बट सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ पे एसी है, पूरा हर तरफ एसी है, तो मैं आराम से, आप आराम से घूम सकते हैं। तुमने अच्छा बात बताया, वैसे हम लोग अहमद लिखते हैं और ये लोग अहमद लिखते हैं, अहमद, बस डी और एच का नाम, डी का डिफरेंस है, डी मेरे नाम में, अहमद में डी है। और
फिक्स्ड प्राइस 50% ऑफ। ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कबाब मार्केट है, तो मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, और आप लोगों का भी, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया। बस ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे ही अच्छे अच्छे जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे वीडियोस पे। ये बाजार अपने आप में ही बहुत यूनिक है, बिकॉज पहला बाजार है पूरा वर्ल्ड का, तो बहुत बड़ी बात है। और जरूरी नहीं है यहाँ पे आके आपको शॉपिंग करना ही है, बस आके आप घूमो, इसको एंजॉय करो। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग एक्सपीरियंस है। हर जगह का एक अच्छा और एक बुरा साइड होता है, तो बुरा साइड यहाँ का ये है कि यहाँ पे बहुत सारा स्कैम्स भी होता है जो भी फॉरेनर्स बाहर से आते हैं उनके साथ। लाइक ये है कि यहाँ पे जैसे आप करेंसी एक्सचेंज करने आओगे, तो यहाँ पे बाहर पे जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो नंबर्स, ये नंबर्स ऊपर जाता रहेगा, बट ये एक्चुअल वाला रेट्स नहीं है एक्चुअल। तो जब भी आप यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आओ, उनको एक बार पूछ लो कि क्या रेट है, बस ऐसे ही ब्लंटली जाके एक्सचेंज मत करो, क्योंकि जो आप रेट यहाँ पे बाहर पे देख रहे हो ये रेट एक्चुअल में नहीं है, असल रेट अंदर लिखा होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। 2 घंटे यहाँ घूमने के बाद काफ़ी भूख लग गया था दोस्तों, तो हमने बाहर निकल के खाने का प्लान कर लिया। हमेशा कोलकाता के रेस्टोरेंट में आप लोगों को दिखाया मैंने खाने का वीडियो, फाइनली अभी इस्तानबुल में आके यहाँ रोड के साइड में ठीक ग्रैंड बाजार के बाहर ऐसे शॉप्स लगा है सारा, तो अभी ऑर्डर किया पर ये खा के देखते हैं कैसा। इसका वैसे 64 लीरा प्राइस है, मतलब इक्वल्स टू, तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा कितना है INR। पहले ऐसे खाते हैं। हाँ कोई मेयोनीज और सॉस के साथ लगा के खा देते हैं, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। ये अच्छा है, आप लोग खा सकते हैं, खाते भागते हैं।